तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे, देखिए इस टाइप के गरम सूट की कटिंग करना। ये सूट ये सलवार, सबसे पहले नाप में लूजिंग डाल के हमने नाप को रेडी करना है। लंबाई है 38 इंच। ये लूजिंग डाल के नाप बता रहा हूं मैं, तीन जगह इसमें लूजिंग है, चेस्ट में, कमर में और हिप में। 38 इंच लेंथ है, चेस्ट है 41 इंच, कमर है 35, हिप है 42, बाजू की लंबाई है 16 इंच, मूरी 10 इंच, आर्म होल राउंड 16 इंच, फ्रंट का गला 7 इंच, बैक का गला 5 इंच, और सलवार की लेंथ है 37, मूरी है 14, बेल्ट रखेंगे 50 इंच, यानी 25 हाफ में। तो ये नाप है, इसको रख देते हैं। सबसे पहले हमने देखिए सूट को इस तरह से खोल लेना है। तो ये सीधी साइड है और ये अंदर वाली उल्टी होती है, उल्टा साइड, ये सीधा साइड, ये उल्टा साइड। तो देखिए जब इस तरह का प्लेन सूट आपके पास हो तो आपको एक साइड से इस तरह से खोल लेना है, इस तरह से खोल लेना है और ऐसे फोल्ड करना है। फोल्ड करना कितना है, अगर हिप ज्यादा हो तो हिप के हिसाब से 1.5 इंच मार्जिन छोड़ते हुए यहां से ये 1.5 इंच का पहले ही हमने निशान लगाना है। ये देखिए 1.25 इंच या 1.5। तो देखिए सारे निशान ड्रॉ होने के बाद सबसे पहले हमने कट किया कपड़ा, जो साइड का कपड़ा है वो यहां से बचा था, ये बाजू के लिए होता है, 2.5 इंच नीचे मोड़ा, मोड़ने के लिए छोड़ा। हिप के हिसाब से हमने इसको फोल्ड किया है, फोर फोल्ड है देखिए यहाँ से, और एक पल्ला ये है। उसके बाद हमने निशान लगाया देखिए यहाँ पे लंबाई के हिसाब से, 3 इंच नीचे छोड़ने के बाद 38.5 पे निशान लगाया, 38 इंच लेंथ है, ऊपर आधा इंच चला जाएगा, 6.5 पे ये निशान है मुड्ढे का, 14.5 पे कमर का और 21 इंच पे हिप का। उसके बाद गले बैक के हिसाब से हमने तीन रखना है, 5 इंच है, तो यहाँ से हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे और ऐसे टेढ़ा करेंगे थोड़ा, जैसे यहाँ पे 7 पे आया तो यहाँ पे 6.5 या 6 पे, ठीक है। 41 इंच चेस्ट है तो 10.25 चौथाई में, 35 इंच कमर है, चौथाई हुआ 9.25 इंच, 42 इंच चेस्ट हिप है, 42 इंच हिप है, तो ये हुआ 10.5, और यहां से 11.25 पे निशान लगाएंगे थोड़ा सा ज्यादा। उसके बाद हमने देखिए निशान यहां से ये ड्रॉ करना है, इस तरह से सेप देनी, यानी कि सेप पट्टी से ये आर्म होल, इसकी गोलाई, गोलाई देने के बाद हमने इसको नापना भी है, 16 इंच आर्म होल है तो इसको देखते हैं ऐसे, ये बिल्कुल ठीक आ जाएगा। हल्का सा कंधी भी डाउन करेंगे, ब्रॉडनेस रखेंगे 3 इंच, हल्का सा यहाँ से डाउन करेंगे, और ये निशान सीधा लेना है देखिए यहाँ पे। अब हमने इसकी कटिंग करनी है, कुटका लगाएंगे। कैंची थोड़ा आवाज ज्यादा कर रही है क्योंकि कपड़ा मोटा है, ये गर्म कपड़ा है तो ये इतनी आसानी से कभी कटता नहीं है। ये कुटका यहां भी लगा दिया है, कट करेंगे यहां पे कुटका और फिर यहां पे भी कुटका। अभी फ्रंट वाले मुंडे की गहराई देंगे देखिए इस तरह से, बैक वाले की ये बाहर की साइड थोड़ा छोड़ते हुए,
कुछ इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे बैक का गला भी कट कर देते हैं, 5 इंच गला है, आधा इंच ऊपर छोड़ने के बाद पौने 5 पे निशान लगाएंगे, 2 सूत चला जाएगा फालस पट्टी के मार्जिन में, इसको सीधा करेंगे और यहाँ से कुछ इस तरह से गोले डाल देंगे। तो ये बैक फ्रंट की कटिंग हो चुकी है, इसको रखते हैं। अब निकालते हैं बाजू, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। बाजू की लंबाई है 16 इंच, थोड़ा मार्जिन छोड़ते हुए इसको हम फोल्ड करेंगे। आगे 1.5 इंच, पीछे 16.5, उसके बाद हम देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे इसको और इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब यहां से 4 फोल्ड ऐसे, ठीक है। तो ये 4 फोल्ड करने के बाद फिर से इस पे थोड़ा प्रेस से सेट कर लेते हैं। 16 इंच लेंथ है बाजू की, तो ये यहाँ से यहाँ तक 16.5 पे निशान लगाया, इसको सीधा करेंगे। मूरी है 10 इंच, तो 5 पे यहाँ पे निशान लगाएंगे और यहाँ से 3.5 पे लगाने के बाद आर्म होल 16, तो यहाँ 8 पे लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद इससे सेप डाल लेंगे, सेप पट्टी से, यहाँ से लगभग 2 इंच के नीचे हम ऐसे गोला डालेंगे कुछ इस तरह से, और अंदर की गोलाई कुछ ऐसे, ठीक है, इस तरह से इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसको यहीं रोक देना है, यहाँ पे कुटका लगाएंगे, छोटा सा कुटका यहाँ भी लगना होता है, बहुत छोटा सा, 2 पल्ले उठाने हैं ऐसे। यहाँ से क्योंकि बंद है तो इसको अलग कर लेते हैं। अब यहाँ भी मार्जिन छोड़ते हुए इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए बाजू भी हमारी कट हो चुकी है, पूरा सूट कट हो चुका है। ये कपड़ा बचा है काफ़ी सारा, इसको रख देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सूट हमारा कट हो चुका है, इसको बांध के रखते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।